एक दफा मैं एक मस्जिद के अंदर असर की नमाज अदा करने गया और जमात खड़ी होने वाली थी। नमाज के साथ में मिल गया तो नमाज कोई तकरीबन उन्होंने कोई 5 मिनट के अंदर 4 रकात जो है ना वो मुकम्मल कर। मेरे साथ मेरे कजन थे, मैंने उनको कहा कि मैंने कहा यार कारी साहब से बात करनी है कि नमाज जो है वो थोड़ा सा स्लो पढ़ाया करें। तो इमाम साहब से बड़े अदब के साथ सलाम लिया, उनसे कहा कि कारी साहब एक रिक्वेस्ट है कि आप नमाज थोड़ा सा स्लो पढ़ देंगे ना तो उससे क्या होगा कि हम लोग अपनी जो दुआएं हैं या अज़कार करते हैं नमाज के अंदर तो वो हमारी मुकम्मल हो जाया करेंगे आसानी के साथ। तो जो मुझे आगे से जवाब मिला सुनने के लिए वो मुझे तो हिला देने वाला था। उन्होंने कहा जी कि हमारा फिरका इस चीज की इजाजत नहीं देता कि हम नमाज स्लो पढ़ाएं या आराम से पढ़ाएं। तो बताने का मकसद ये है कि हम लोगों ने अल्लाह की इबादत भी अपने फिरकों के मुताबिक जो तकसीम कर दी है, यानी अल्लाह की इबादत भी हम लोग आराम से नहीं कर सकते क्योंकि हमारा फिरका इस चीज की इजाजत नहीं देता। तो इसीलिए कहता हूँ कि इन फिरकों से निकलें ताकि कम अज कम आप अल्लाह की इबादत तो खलूस से करें।